बेगम जी क्या कहेंगी। वालेकुम अस्सलाम लवली, थैंक यू, यू लुक ट्रूली अमेजिंग एंड वेरी प्रिटी एंड यू आर द यंगेस्ट आई बिलीव इन द एंटायर कास्ट। हाँ जी सर, छोटे सलीम के बाद मैं। तो यहाँ पे खैर उम्र तो नहीं पूछेंगे हम आपसे यहाँ, क्योंकि बाइक रैली नवभारत टाइम्स के जरिए हम ऑल वुमेन्स बाइक रैली कर रहे हैं, थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली होती जा रही है, दिस इज द थर्ड टाइम। तो आपसे पूछना चाहेंगे रुकिया जी कि कभी ऐसा आपको मौका मिला कि आपने बाइक चलाई हो, स्कूटी चलाई हो? हाँ जी, मैंने एक बार मेरे फ्रेंड की बाइक चलाई थी। रियली? हाँ जी, बस मैं यहाँ से यहाँ तक गई और बाइक कर गई। सो उससे आपको क्या लगा कि बाइक मेरे लिए नहीं है या मुझे सीखनी चाहिए बाइक चलाने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं, कौन बोलता है औरतों के लिए चीजें नहीं बनी? हाँ कम ऑन, हम सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? ये हुई ना बात। और बाय द वे, बाइक तो छोड़िए, मैं मुझे जीप भी चलाना आती है। ओह माय गॉड, लुक्स आर रियली डिसेप्टिव, लुक्स आर रियली डिसेप्टिव। सच अ क्यूट पेटीट ब्यूटीफुल लेडी, यंग गर्ल, इन फैक्ट आई शुड से नॉट लेडी, जो कि कहते हैं बाइक का एक्सपीरियंस भी ले चुकी है, जीप का भी ले चुकी है। तो क्या सैंड ड्यून्स, सफारी सैंड ड्यून्स कुछ ऐसी ड्राइव की थी मैम आपने? नहीं फिलहाल तो मैं सिर्फ बॉम्बे के जंगलों में ही ड्राइव करती हूँ, या तो कर्जत के जंगलों में, जो था कोई के सेट पे। नॉट बैड, नॉट बैड, दैट्स अ गुड स्टार्ट। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए, चाहे वो कर्जत के जंगल हो या कहीं के सैंड ड्यून्स हो। नॉनेस, यहाँ पर आप आई हैं तो अपने जोधा अकबर के अंदाज में कुछ मैसेज हमारे ये जो सारी राइटर्स हैं उनको बताना चाहूँगी। सब सब की सब लेडीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड यहाँ से मतलब बहुत ही देर से इंतजार कर रही थी आपका कि कब आप आएंगे और आपकी जुबानी सुनेंगी आपके अंदाज में। पहले तो मेरा नाम लवीना टंडन है और मैं आपको लवीना के स्टाइल में हेलो बोलना चाहती हूँ। और जी सत श्री अकाल दिल्ली, ये हुई ना बात। और मुझे सच्ची बिलीव नहीं हो रहा आप लोग सब बाइक चलाने वाले हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को देखने के लिए, जैसे आप एक्साइटेड रहते हैं हमें देखने के लिए। तो रुकैया बेगम के स्टाइल में तो जश्न कब शुरू किया जा रहा है होशियार? उप्स, होशियार तो है ही नहीं, वो मार खा के बेचारा कहीं खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं आप लोग सबको बाइक चलाते देखूंगी, क्योंकि मुझे लड़कियाँ बाइक चलाते हुए बहुत अच्छी लगती है, हॉट यू नो। वंडरफुल। वेल, यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर is on his way, expected to arrive any moment, but nonetheless ye joshile andaaz mein aapne yahan hame bataya apne hi andaaz mein, to batane chahenge ki agar yahan hum aapko puchna chahenge, not batane chahenge aapko yahan par agar hum ek scooty ya bike de to do you have a partner? Do you have a partner, villain rider? No, I can sit behind you. But I shouldn't fall, I have a shoot tomorrow. Well, ख्याल है मतलब पुलाव बनाने में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप ड्रीम करते रहिए कि आपके पीछे बैठे। बट नॉनलेस यू आर द फर्स्ट वन हु रेज योर हैंड। सो मैम, यहाँ पर वुमेंस डे है, सो डू यू थिंक दैट देयर शुड बी ओनली वन डे टू सेलिब्रेट वुमेंस डे, या आपको लगता है हर दिन वुमेंस डे होता है? मेरे ख्याल से हम औरतों को डिफाइन करने के लिए एक दिन तो नहीं चाहिए, हम तो हमें लगता है कि सारे दिन वुमेंस डे ही होने चाहिए, राइट? क्योंकि सारे काम हम औरतें ही करती हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, मतलब घर भी ऑफिस जाते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन हाउसवाइफ, यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, और कौन कहता है कि हाउसवाइफ प्रोफेशन नहीं होता है, कौन कहता है हाउसवाइफ काम नहीं करती है, राइट? हमने बात की थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को मैसेज भी दे दिया, बड़ा क्यूट सा मैसेज दे दिया। हमारी जो रीतियाँ हैं बदल रही है, शी सेड ओपनली टू हस्बैंड दैट शी लव्स हिम एंड दैट वाज अ स्वीट मैसेज एंड साइंस ऑफ चेंजिंग दिल्लीज कल्चर। तो यहाँ पर
कुछ प्यारे से, यस मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहें? हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं, आप आ नहीं सकते वहीं से बोल सकते हैं मैम। मैम सुनाई दे रहे, आवाज बुलंद है आपकी। मैम स्टेज पर जरूर चढ़ेंगी, आप ये कह रही हैं कि देख नहीं पा रहे जो पीछे लोग हैं, ये कह रहे हैं ना आप? जी जरूर, हमारे सारे सेलिब्रिटीज इकट्ठे हो जाए के बाद है, हम सभी सेलिब्रिटीज को आपसे रूबरू कराएंगे स्टेज पर, सब अच्छे से देख सकते हैं।